तो चलिए शुरू करते गाइस, ए वाला टिक करने के बाद आप खुद आपका डेट बॉक्स को डोन के बिना देख सकते हो। बट इधर पे तो कोई डोन नहीं रहता है, बट आप इधर पे खुद एक डोन सेट करके देख सकते हो। तो कैसे आपको करना है ध्यान से देखो। सबसे पहले इधर पे आपको डाउन हो जाना होगा और इधर पे आपको गिव अप करके आपको खुद ही मारना होगा। जब इधर पे मार जाओगे और मैप ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको डेटा को ऑफ कर देना होगा। डेटा को ऑफ करने के बाद इधर पे टिक ऑप्शन को पेस्ट करने के बाद गाइस देख ही सकते हो, खुद अपने आप ही आपको डेट बॉक्स को भाई कैसे ड्रोन के व्यू ले सकते हो। गाइस ऐसा सीन देखने के बाद आप कोई दोस्तों को दिखाओगे तो भाई वो तो एक बार में इंप्रेस हो जाएगा ये चीज़ को देखते हुए। तो उसको सरप्राइज करने के लिए गाइस ये सीन को एक बार जरूर से करना। और भाई चैनल पे नया हो तो फटाक से जाके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा हिडन प्लेजेंट ग्लिच वीडियो रोज मिलता रहेगा इस वाला चैनल पे। गाइस ए वाला बीच के अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपका जरूरत पड़ेगा लैम्बोर्गिनी कार। आपको नेक्स्ट टाइम आपके कुछ इस वाला लोकेशन पे आ जाना होगा। इस वाला लोकेशन पे आने के बाद इधर से ड्राइविंग से उतर जाना होगा। उसके बाद आपको इधर पे एंटर करके फिर से जब अब उतर जाओगे ना गाइस, तो आप आ चुके हो ए वाला बीच का अंदर पे। तो गाइस देख ही सकते हो मैं बीच का आर पार कर रहा हूँ। तो गाइस इधर पे कोई बंदा हमको नोटिस भी नहीं कर पाएगा। हम इधर पे एक बार जाम करते हुए ऐसे बैठे एनिमी को मारेंगे तो वो तो पूरा सरप्राइज हो जाएगा मेरा ए हाथ पे मार खाते हुए। तो गाइस देर क्यों कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाओ और ए वाला टिक को खुद एक बार ट्राई करके देखो और दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी शेयर करो। गाइस सेकंड वाला टिप से ऑब्जर्वेटरी पे। तो ऑब्जर्वेटरी पे आपको आने के बाद इधर पे भी आपको लॉन्ग गन को ले लेना होगा। तो इधर पे लॉन्ग गन को लेने के बाद इधर से आपको भागते हुए चला जाना होगा इस साइड में। तो दाएं साइड में जाने के बाद इधर पे आपको गुलाल का जरूरत पड़ेगा। तो गाइस इधर पे दो वाल इधर पे आके सेट कर लेना, पहला वाल इधर पे, सेकंड वाला वाल इसके साइड में। तो इधर पे सेट करने के बाद आपको एक जंप करते हुए आ जाना होगा इसके ऊपर में। इधर पे आने के बाद आपको और एक जंप करते हुए ऊपर में आ जाना होगा। इधर से आपको और एक बार जंप करते हुए जाना होगा वॉल के ऊपर। इधर से वॉल के ऊपर जाने के बाद और एक बार जंप करोगे तो गाइस आप इस जगह पर आ जाओगे। तो गाइस इधर पे आने के बाद आपको कोई बंदा नोटिस नहीं कर पाएगा, आप इधर पे छुपके से बैठे हो और आप इधर से आसानी से किल वगैरह ले सकते हो। गाइस सोचो आपको दाएं तरफ एनिमी है, आप बाएं तरफ इधर पे बैठ के किल वगैरह कर सकते हो और आपका बाएं तरफ एनिमी हो जाएगा तो आप इधर से भाई और एक बार जंप करते हुए बाएं तरफ जाके आपको बाएं तरफ के एनिमी मार सकते हो। तो गाइस सीधी सी इस जगह पे आके करोगे तो आपको विक्ट्री मिल जाएगा। गाइस सबसे पहले आपको बिगेट मैप को स्टार्ट करना होगा, उसके बाद इधर पे गुला लगा के दो गेनर से आपको मार जाना होगा, क्योंकि इधर पे वॉल नहीं लगा होगा तो आपका दोस्त लोग रिवाइव कर देगा फिर से। तो गाइस फाइनली हम तो मार चुके हैं गेनर से। अभी आपको जो चीज़ करना होगा, आपको उतरने के टाइम पे डेटा को ऑफ कर देना होगा। ऑफ करने के बाद इधर पे जो रेड वाला लोकेशन आ रहा है इधर पे आपको जाना होगा। तो इधर पे लोकेशन आ रहा था, इधर पे जाने के बाद गाइस देख ही सकते हो सब लोग अभी बाउंड्री के अंदर पे हो, बट आप निकल चुके हो। गाइस ऐसे करके ये लोग देखेगा तो भाई सीधे से ये लोग इंप्रेस हो जाएगा आपके ऊपर और आप इसके सामने जाके इसको मुक्का मार के भाई किल वगैरह ले भी सकते हो। तो गाइस देर क्यों कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाओ और बिगेट मोड पे जाके इस ग्लिच के ऊपर जरूर से ट्राई करना। और ये वाला ग्लिच अच्छा लगे तो भाई वीडियो में एक लाइक भी कर देना। तो चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला टिक की ओर। भाई आप खुद अपने मर्जी से कोई भी प्लेस पे लैंडिंग कर सकते हो। तो इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा बिगेट मोड पे। तो गाइस बिगेट मोड पे आने के बाद सोचो इधर पे एनिमी आपको मार दिया, तो मेरा पास बंदा नहीं था, मैं खुद ही मार चुका हूँ। उसके बाद इधर पे जब मैप ओपन हो जाएगा आपको कोई भी एक लोकेशन चूज़ करना है। मैं पिक को चूज़ कर लिया। पिक को चूज़ करने के बाद जब इधर पे रिवाइव टाइम ख़त्म होने के बाद आपको जब लैंडिंग करेगा तो गाइस इधर पे देख ही सकते हो मैं आ चुका हूँ पिक पे, क्योंकि मैं पिक पे लोकेशन किया था। तो गाइस ऐसे करके आप इधर उधर लोकेशन करके दोस्तों को दिखा सकते हो और उसको इंप्रेस भी कर सकते हो। तो गाइस जल्दी जल्दी जाओ और ए वाला ट्रिक को खुद ट्राई करके देखो। गाइस अभी हम आपको सिखाएंगे कैसे आप टेलीपोर्ट करके एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो, बट ये सेंटिनियो कैरेक्टर के मदद से नहीं, बट ये ट्रिक करके। तो ये वाला ट्रिक कंप्लीट करने के लिए आपको एक मिनी वाला लॉन्चपैड लेके ए पिक का ए जिप लाइन का ऊपर में आ जाना होगा। इधर पे आपको लॉन्चपैड को सेट करना होगा, उसके बाद आपको इधर पे जॉयस्टिक को खींचना होगा। इधर पे यूज़ करने के टाइम पे आपको जिप लाइन को यूज़ करना होगा। तो गाइस इधर पे आपको ऐसा सीन देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस देख ही सकते हो मैं जिप लाइन के इधर पे, उसके बाद जब गेम को एक बार मिनिमाइज करके फिर से गेम में आ जाओ गाइस, तो गाइस देख ही सकते हो
आपका आंखों के सामने में इधर पे भाई था पीक पे, अभी आ चुका हैंगर पे। चलो गाइस और एक बार मैं दिखा देता हूँ, इधर पे मैं कर दिया यूज, फिर से वो वाला सीन आ चुका है। वो वाला सीन के बाद फिर से मैं कर दिया गेम को एक बार मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद फिर से जब आपका आंखों के सामने गेम को फिर से गेम में आ चुका हो तो मैं क्यों भेज दिया गया हैंगर पे। गाइस तो अब भी देर मत करो, जल्दी जल्दी जाओ और ये वाला ट्रिक को खुद ट्राई करके देखो, आपके साथ भी हो जाएगा। गाइस अब गेम खेलते हो और आपके ऊपर ग्रेनेड से बंदा लोग बहुत बार आपको मार चुका है, तो गाइस ये वाला टिक करने के बाद आपको कोई बंदा ग्रेनेड से मार नहीं पाएगा। तो गाइस इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास ग्रेनेड जरूरत पड़ेगा। तो चलो गाइस मैं ग्रेनेड को इस तरह एक्सप्लेन करके मैं इधर पे आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले इधर पे मैंने दो ग्रेनेड को फेंक दिया, उसके बाद गेम को एक बार मिनिमाइज किया। तो गेम को मिनिमाइज करने के बाद फिर से जब गेम में आया तो जल्दी जल्दी मैं भाग के गया ग्रेनेड के ऊपर में। तो गाइस देख ही सकते हो ग्रेनेड के ऊपर मैं आ चुका और इधर पे 1% डैमेज मेरे को नहीं आया। फिर से मैं गेम ग्रेनेड को फेंका, उधर पे गेम को कर दिया मिनिमाइज और ग्रेनेड से ऊपर आ चुका हूँ। ग्रेनेड के ऊपर आने के बाद देख ही सकते हो मेरा 1% एचपी नहीं गया। तो गाइस ऐसे करके आप भी एनिमी जब ग्रेनेड फेंकेगा तब करोगे तो आपको एचपी खत्म नहीं होगा। गाइस आप सोलो में रैंक पुश करते हो तो आपको छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलता है, तो ये वाला ट्रिक आपके लिए। गाइस इसके लिए सबसे पहले आपको बाइक लेके नेक्स्ट टाइम आपके कुछ इस वाला लोकेशन पे आ जाना होगा। इधर पे जो कंटेनर रहता है, इस कंटेनर के अंदर पे आपको बाइक को पीछे करके सेट करना होगा। तो गाइस पीछे करके पूरा सेट कर चुका हूँ इधर पे सेट करने के बाद आपके पास ग्लोअल रहेगा, तो ग्लोअल को पहले सेट करना होगा। तो ठीक बाइक का साइड में आपको ग्लोअल को सेट करना होगा, मैं जैसे कर रहा हूँ आपको बेस्ट तरीके से करना होगा, नहीं तो ये वाला ट्रिक आपको कोई भी काम नहीं करेगा। तो फाइनली गाइस इधर पे मैंने वॉल को सेट कर लिया, उसके बाद करके जब गेट अप कर दोगे ना गाइस तो आप आ जाओगे ये वाला जो मैप इसके अंदर पे। तो आप गाइस जमीन का ऊपर में हो बट ये वाला जो भाई प्लेस है इसका अंदर पे आप आ चुके हो। तो इधर पे देख ही सकते हो ऊपर में मेरा दोस्त खेल कूद कर रहा है, इधर पे बंदा लोग है तो भाई उसको भी मैं देख पाऊंगा इधर पे। तो गाइस इधर पे आके आसानी से आप भी रैंक पुश कर सकते हो। इधर से भाई रैंक पुश करोगे तो कोई बंदा आपको नोटिस नहीं कर पाएगा और इधर पे जोन आ जाएगा तो आप धीरे धीरे करके इधर से बाहर भी निकल सकते हो। तो गाइस ये वाला ट्रिक कैसा लगा मेरे को जरूर कॉमेंट सेक्शन पर जाकर कॉमेंट करके बता देना। गाइस आप जब बियर रैंक खेलते हो और ऑब्जर्वेटरी में जाते हो तो इतना सारा खटारा कार इधर पे भाई देखने के लिए मिलता है। गाइस आप कभी सोचे हो क्या इस कार के अंदर आप भी घुस सकते हो मेरे तरह ए वाला टिक देखने के बाद। तो ए वाला टिक कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको बाइक लेकर आ जाना होगा ऑब्जर्वेटरी के साइड में। तो इधर पे अच्छे तरीके से आपको बाइक को सेट करना होगा गाइस। उसके बाद इधर पे बाइक को सेट करने के बाद जब इधर पे एंटर करके गेट ऑफ कर दोगे गाइस तो आप आसानी से इस जो खटारा कार है इसके अंदर घुस पाओगे। चलो फिर से एक बार देखा दे दो आपको इधर पे कैसे बाइक को सेट करना होगा, ये चीज़ पहले देख लो। तो ऐसे करके आप बाइक को सेट करना होगा और आपको डाइविंग नहीं एंटर करके आपको गेट अप करना होगा। तो गाइस मैं आ चुका हूँ ये वाला कार के अंदर पे। तो इधर पे थोड़ा सा जॉयस्टिक को ऊपर की ओर खींचते हुए इधर पे गेम को एक बार मिनिमाइज कर दोगे तो गाइस आप कार के नीचे पूरा जमीन के नीचे चला जाओगे। गाइस इधर पे आने के बाद आप आसानी से बैठ के रैंक पुश कर सकते हो और इधर पे कोई बंदा देखे तो आप नीचे से उसको मार सकते हो, क्योंकि इधर से आप कोई बंदे को मारोगे तो आपको एलिमिनेट कभी भी नहीं कर पाएगा। गाइस इधर पे मैं ग्लोअल को लगा के भाई इसको एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ।